गुड इवनिंग सर। आइए आइए, नमस्कार। शालू जी सर, कहाँ से इंजीनियरिंग किए हो और अपने बारे में थोड़ा बताओ बेटा। सर मेरा नाम शालू है और मैं उत्तर प्रदेश जौनपुर की रहने वाली हूँ और मैंने अपना स्कूलिंग बिल्कुल कंफर्टेबली मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय मड़ियाहो जौनपुर से कंप्लीट किया है। उसके बाद बीटेक एनआईटी श्रीनगर से कंप्लीट किया है। श्रीनगर में हजरत बल क्यों फेमस है? सर हजरत बल बोला जाता है कि वहाँ पे मोहम्मद शाह जो उनके पैगंबर थे उनका बाल वहाँ पे आके गिर गया था, तो हजरत बल में वहाँ पे एक बहुत अच्छा मुस्लिम का प्लेस माना जाता है। देखा हजरत बल? जी सर, दरगाह नजदीकी। जी सर, कंप्यूटर साइंस में पूछा जाए या आईआर में पूछा जाए, क्या आप? सर किसी में भी पूछे आप। ये बताइए, एक तो सोशल मीडिया का जो आज की डेट में बहुत बड़ा बड़ा चर्चा में रहता है, इसका रोल आईआर बिल्डिंग में, आईआर में, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में कितना महत्वपूर्ण है, एक चीज। दूसरा, ट्विटर के ऊपर जो हिंदुस्तान में जो जिस तरह के विचार विमर्श हो रहे हैं, आपकी क्या राय है इसको? सर अगर हम सोशल मीडिया कंपनीज की बात करें और इंडिया की बात करें, तो ये जो कंपनीज ज़्यादातर हैं ये भारत की नहीं हैं, जो भी फेमस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक, ट्विटर या फिर यूट्यूब। तो अगर कोई भी कंपनी जो है वो भारत में नहीं है और वो डेटा जो है वो दूसरे जगह पे हमारा स्टोर करती है हमारे देश के लोगों का, तो उसको किसी भी कंट्री की सॉवरेनिटी का ध्यान रखना चाहिए, जो कि बहुत एक किसी भी कंट्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है मॉडर्न स्टेट में सॉवरेनिटी। तो इसलिए ट्विटर वगैरह जो है वो कहीं ना कहीं पे सॉवरेनिटी को हमारे। अच्छा, डेटा कहाँ रखा जाता है, आपको आइडिया है कुछ, डेटा सेंटर्स कहाँ रहते हैं? सर डेटा सेंटर्स जो है अगर फेसबुक का करें तो वो यूएसए में ही ज़्यादातर है। फेसबुक के अलावा जितने बाकी भी एप्स हो रहे हैं, आपने सीसीटीवी कैमरेज लगे होंगे, आप बहुत सारे फॉर्म फिल कर रहे हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट या ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स हैं, सभी का डाटा कहाँ जा रहा है? सर क्लाउड स्टोरेज होता है। क्लाउड स्टोरेज वो कहाँ पर होता है जाके? सर मैक्सिमम जो है वो यूएसए में है और जैसे चाइना की कंपनीज हैं तो चाइना में है, और अगर हमारा पेमेंट जो डेटा है वो आरबीआई ने कहा था वो इंडिया में स्टोर होगा, तो इंडिया में भी कुछ डेटा सेंटर्स हैं और जो गवर्नमेंट के डेटाज हैं वो तो इंडिया में स्टोर हैं। कंप्यूटर साइंस पढ़े हैं आप, इंडिया में कितना बड़ा स्टोरेज सेंटर होगा जहाँ पे ये डेटा रखा होगा? हाउ डू यू एक्सेस एंड व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ एक्सेस? सर अगर हम इंडिया में डेटा सेंटर्स की बात करें तो यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, 1.3 बिलियन, और इंडिया जो है वहाँ यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर्स हैं। मैं ये कह रहा हूँ छोटी छोटी जगहों पे आप रखोगे ना डेटा तो फास्टर एक्सेस हो जाएगा, और एक जगह पे रखोगे तो बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा। मैं इस बात में जी सर। आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर? जी सर। तो आप उस परिप्रेक्ष्य में बताओ, क्लाउड स्टोरेज में कुछ बोल रहे थे, ऐसी कुछ टर्म आपको एक्सप्लेन करो, हम तो जानते नहीं, अधिक नहीं जानते, आपसे ज़्यादा नहीं जानते। जी सर, क्लाउड स्टोरेज है और जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इन सब में जो डेटा होता है वो डिसेंट्रलाइज्ड मोड में होता है, जहाँ पे मल्टीपल कॉपीज जो होती हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड मोड में हर एक कंप्यूटर में स्टोर होता है और वो काफ़ी सिक्योर भी होता है। एक चीज़ आपने अभी बहन जी बताई नहीं है कि आप ये रोल ऑफ सोशल मीडिया ये कैसे इम्पैक्ट करता है इंटरनेशनल रिलेशनशिप को। मेरे यहाँ कुछ हिंदुस्तान में कुछ एक्टिविटी हुई, उसका असर कहाँ पे पड़ा, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ बात करने, उसके ऊपर बताएं। सर जो सोशल मीडिया है इसका बहुत बड़ा रोल है युग ग्लोबलाइजेशन के युग में, तो आज का जो युग है वो ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है इस समय, तो इसका बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया का। सालू आप अपने तरह का आंसर दो, किताब तरह का आंसर नहीं देंगे अपनी तरह से। तो यहाँ पे अगर हम एक दूसरे से सोशल मीडिया में किसी भी कंट्री के साथ में हम कनेक्टेड हो जाते हैं बहुत ही फास्टर और डीपर, तो कहीं भी कुछ भी हो रहा है, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी या फिर सोशल एक्टिविटी, तो वो इंटरनेट पे तुरंत ही फैल जाता है, तो कभी कभी फेक न्यूज़ वगैरह, मिस इन्फॉर्मेशन, तो वो सारी चीज़ें जो है इसके तहत में कंट्री के बारे में जो भी पावरफुल स्टेट्स हैं वो दूसरे कंट्रीज़ को दबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा अगर हम देखें तो
जैसे कश्मीर का इशू है तो वहाँ पर भी उसको बहुत ही ज़्यादा मीडिया में हाईलाइट किया जाता है। तो सोशल मीडिया ये है कि हम उस पर क्या हाईलाइट करते हैं, इंफॉर्मेशन कैसे इंफॉर्मेशन हाईलाइट करते हैं। थोड़ा तेजी से कश्मीर का इशू छेड़ा, कश्मीर का इशू को एक साइड में रखते हैं एक साइड में, और दूसरा ये इजराइल वर्सेस गाजा का इशू रखते हैं। इसकी क्या उस इशू का इस पर कोई इम्पैक्ट पड़ता है या इसका कुछ उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, उसको किस परिप्रेक्ष्य में किस भाषा में देखते हैं आप? You being a international relationship person. सर, अगर हम पेलेस्टीन और इसराइल का इशू देखें तो वो वहाँ पे जो पेलेस्टीन पॉपुलेशन है वो लोग मुस्लिम पॉपुलेशन है, और कश्मीर के लोग भी वो लोग ज़्यादातर मेजॉरिटी वहाँ पे मुस्लिम्स हैं। तो इसलिए जो कश्मीरी लोग होते हैं उनका मुस्लिम्स के प्रति जो है एक मुस्लिम ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो उनके लिए उनकी सहानुभूति होती है, जिसकी वजह से अगर वहाँ पर कुछ होता है तो यहाँ पर भी प्रोटेस्ट होता है। मैं जाके अगर गाजा का वो तरफदारी करूं तो इजराइल वाला मुझे कहने लगता है तुम अपना तो देख लो कश्मीर। उस भाषा में मैं बात कर रहा हूं कि आप कितना इशू उठा सकती हैं किस जगह पे। अभी जो इंटरनेशनल लेवल पे हिंदुस्तान ने वो क्या रोल अदा किया उसके बारे में कुछ बता सकती हैं? जी सर, बिल्कुल नया इशू है। जो यूनाइटेड नेशन में वोटिंग हुई वहाँ पर हमास ने जो भी हमला किया इसराइल पर या फिर जो भी वॉयलेंस हुआ उसको इंडिया ने क्रिटिसाइज़ किया। क्यों? क्योंकि सर इंडिया जो है वो बीइंग अ डेमोक्रेटिक नेशन वो ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करता है, और ह्यूमन राइट का वॉयलेशन कहीं भी होगा चाहे वो स्टेट स्पॉन्सर्ड हो या फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, तो इंडिया उसको हमेशा ही। बहुत छोटा बड़ा फास्ट, आपने लिखा आपके पिताजी बिजनेस है? सर सिल्वर स्मिथ का काम करते हैं तो वो बनाते हैं। एक चलिए उस पर हम छोड़ देते हैं। आपने लिखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट इसका मतलब क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सर अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सारे जो भी एरियाज हैं डिफरेंट हर एक एरिया में अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट है तो उसको हमें वायलेंस इन्वायरमेंट के प्रति नहीं करना चाहिए, डेवलपमेंट प्लस इन्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल पेड़ों की कटाई नहीं करना चाहिए। अगर सोशल एरिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखें तो हमें पावर्टी रिड्यूस करना चाहिए, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना चाहिए, तो इक्वल सोसाइटी होनी चाहिए। सॉरी सर, ये इकोनॉमिक एरिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। सोशल एरिया में कास्ट सिस्टम या फिर क्लास सिस्टम नहीं होना चाहिए, रेसिज्म नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई वर्ल्ड में मॉडल चल रहा हो आपके नियर बाय कंट्रीज में जिसमें कोऑपरेशन वर्सेज ये आपने लिखा हुआ है उसकी वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको आप परिभाषित कर पाती हूँ? सर कोई हिंदुस्तान के बाहर या हिंदुस्तान में ऐसा मॉडल है, फॉर एग्जाम्पल अमूल दूध, ऐसा कोई आसपास कुछ हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर कोई ऐसा मॉडल सक्सेसफुल मॉडल नज़र आता है? जी सर अगर हम देखें तो सक्सेसफुल मॉडल उसको प्रमोट नहीं किया जाए, लेकिन हाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हर एक गांव-गांव में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर छोटे से गांव में हम जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे गांव में 3 रोटियां पहले बनाई जाती हैं एनिमल प्रोटेक्शन के लिए, जैसे कि गाय को देने के लिए और कुत्ते को देने के लिए। तो और सेकंड थिंग है कि एग्रीकल्चर वेस्ट से कुर्सियाँ बनाई जाती हैं और तख्त बनाए जाते हैं और खिलौने बनाए जाते हैं। एक सीकी हैंडीक्राफ्ट होता है बिहार के एरिया में मधुबनी में, जहाँ पर कि उससे बहुत सारे आइटम्स बनाए जाते हैं जो कि यूज़ भी किए जा सकते हैं और सजावटी के लिए भी। कौन सा अटेम्प्ट है? सर मेरा 3rd अटेम्प्ट है। प्लीज सर। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है और इसी रेस्पेक्ट में मेरा अभी रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुआ है। भारत सरकार ने एक नया मंत्रालय गठित किया है, सहकारिता मंत्रालय। तो इस समय सहकारिता मंत्रालय के गठन की आवश्यकता क्यों महसूस की गई है और सहकारिता के बारे में संविधान में क्या प्रावधान है? सर संविधान में जो है DPSP में इसका मेंशन किया हुआ है कि गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए। कहाँ पर है DPSP में? सर आर्टिकल तो मुझे नहीं याद आ रहा है, शायद आर्टिकल 40 में, सर क्लियरली नहीं याद आ रहा है। ठीक है, क्यों आवश्यकता पड़ी सहकारिता मंत्रालय बनाने की? जी सर कोऑपरेटिव सोसाइटी, सर कोऑपरेशन से हमें जो है पावर्टी एलिवेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फॉर एग्जांपल सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो वो भी एक तरह का कोऑपरेशन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पे महिलाओं को अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि भारत में जो ज़्यादातर लोग हैं और बहुत सारे लोग
लगभग 27% ऑफ द पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो वो अकेले अगर कुछ भी बिजनेस करना चाहें तो वो नहीं कर सकते। इसके लिए कोऑपरेशन करके वो पैसे फंड इकट्ठा करें, और इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट करती है बैंकिंग कनेक्टिविटी से, जहाँ पे उन्हें लोन्स भी मिलते हैं, तो जो उनका पॉवर्टी एलिवेशन है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अमेरिका की जो अफगानिस्तान पॉलिसी है, अफगान पॉलिसी है, उस पॉलिसी को आप कितनी सफल देखते हैं? क्या अमेरिका की अफगान पॉलिसी जिस लक्ष्यों के साथ शुरू हुई थी, क्या वो लक्ष्य पूरा हो गए? सर, अमेरिका ने अफगान में इसलिए एंट्री किया था ताकि जो अफगानिस्तान का सॉइल है वो टेररिस्ट पर्पस के लिए, खास करके वेस्टर्न कंट्रीज के अगेंस्ट में ना यूज़ हो। लेकिन अभी अफगानिस्तान जो है उसको यूएसए छोड़ के जा रहा है, तो यूएसए का असर मुझे लगता है कि ये एक सक्सेसफुल मॉडल कंसीडर मैं करती हूँ मेरे हिसाब से, क्योंकि यूएसए का मेन पर्पज़ है हेजेमनी को अपने कायम रखना, और कहीं ना कहीं अगर वो अफगानिस्तान को छोड़ के जाता है तो चाइना को प्रॉब्लम होगी, जिनजियांग में मुस्लिम पॉपुलेशन से, तो वहाँ पे अमेरिका की जो अफगानिस्तान पॉलिसी थी वो आतंकवाद को ख़त्म करने की थी, तो आतंकवाद तो खत्म हुआ नहीं, तो 20 साल में अमेरिका ने क्या ऐसा कर दिया, वो क्यों छोड़ जा रहा, तो उससे तो आतंकवाद फिर बना ही रहेगा। सर, अगर हम मेन मोटिव देखें किसी भी कंट्री का, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट पे काम करता है, तो यूएसए ने यहाँ पे लगभग 20 इयर्स दे दिए 2000 से, लेकिन वहाँ पर उसके फंडिंग लगभग $1 trillion तक खर्च हुए, उसके खुद के सैनिक बहुत सारे मारे गए, तो उसका नुकसान ही हुआ। लेकिन अब वो छोड़ के जा रहा है क्योंकि प्रेजेंट में उसका नेशनल इंटरेस्ट सर्व होने जा रहा है चाइना के अगेंस्ट में, रशिया के अगेंस्ट में, जो कि उसका एक मिनरल रिच रीजन है, वहाँ पर भी अगर मुस्लिम जो है वहाँ एक्सट्रीमिस्ट फैलता है तो उसी को फ़ायदा होगा, हेजेमनी उसकी कायम रहेगी। इससे इंडियन फॉरेन पॉलिसी में जो नई गवर्नमेंट हमारी आई है और जो पुरानी गवर्नमेंट्स रही, विशेषकर मोदी गवर्नमेंट के पहले गवर्नमेंट रही हैं और मोदी गवर्नमेंट के बाद की जो गवर्नमेंट रही हैं, उनकी पॉलिसीज़ में क्या चेंजेस देखती हैं, विदेश नीति में क्या परिवर्तन आया है? सर, अगर हम बात करें विदेश नीति की, तो किसी भी कंट्री का विदेश नीति देख लें तो उसमें जो है कॉन्टीन्यूटी ज़्यादा देखने को मिलती है, और कांग्रेस गवर्नमेंट हो या फिर बीजेपी, दोनों में ही कॉन्टीन्यूटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी देखें तो अभी भी पहले से भी रिलेशंस अच्छे किए जा रहे थे कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पर भी, और उसको नाम दे दिया गया नेबरहुड फर्स्ट। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो अभी गवर्नमेंट ने लाई है वो पहले लुक ईस्ट थी, जिसको और भी ज़्यादा एक्सपेंड करके एक्ट ईस्ट बना दिया गया, और यूएसए रशिया सबके साथ में अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में, तो ये कहीं ना कहीं पे कंटिन्यूटी मुझे लगता है देन द चेंज। नहीं, तो लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी आपके हिसाब से लगता है एक ही है या उसमें कुछ अंतर है, क्या अंतर है? सर, अगर हम एक्ट ईस्ट की बात करते हैं तो लुक ईस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि एक्टिवली इन्वॉल्व किया जाए, एज वेल एज कंट्रीज जो हैं वो साउथ ईस्ट एशिया के ही कंट्रीज ना होकर के ईस्ट एशिया के भी कंट्रीज है, जापान रशिया, इन सबसे भी रिलेशंस को इम्प्रूव करना। एक क्वेश्चन मेरा संविधान से है कि भारत में जो राष्ट्रपति जो देश का संवैधानिक प्रमुख है उसका निर्वाचन होता है, तो जो राज्य का संवैधानिक प्रावधान है राज्यपाल, उसके लिए निर्वाचन की व्यवस्था संविधान में क्यों नहीं की गई? सर, गवर्नर जो है वो स्टेट के लिए है और प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया का प्रेसिडेंट है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें उसका निर्वाचन क्यों नहीं किया गया, क्योंकि इंडिया जो है वहाँ यहाँ पर जो फेडरलिज्म का मॉडल है वो डिफरेंट मॉडल है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, और यहाँ पे एक कंट्री जो है जो बहुत ही विशाल कंट्री था उसको अच्छे से एडमिनिस्टर करने के लिए यहाँ पे स्टेट्स को बनाया गया, और इसकी वजह से जो यूनिटी और इंटीग्रिटी कंट्री की बनी रहे, तो इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नर लाया गया जो कि एक लिंच पिन की तरह। अगर हम राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति न करके उसका इलेक्शन करें तो क्या क्या समस्याएं देखने को मिलेंगी एक राज्य में और राष्ट्रीय स्तर पर? सर, राज्य में तो जो पावर है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट अभी के पास है, जिसको सीएम हम कहते हैं, तो अगर उसका भी इलेक्शन होगा तो वो कहीं ना कहीं पे पॉपुलर गवर्नमेंट उसका भी हो जाएगा गवर्नर का, जो कि दो इलेक्टेड अथॉरिटी जो है अगर कहीं पर भी रहेंगे तो वो इशू ऑफ गवर्नेंस हो जाता है। और अगर राष्ट्रीय स्तर पे प्रॉब्लम देखें तो राष्ट्रीय स्तर पे सर एक अथॉरिटी ऐसी होनी चाहिए कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के ही बीच में उसके रिलेशंस अच्छे हों, जो स्टेट के एस्पिरेशंस को नेशनल लेवल पर ले जाए,
और जो नेशनल लेवल पे जो भी पॉलिसीज है वो उससे बैलेंस बना करके स्टेट को कम्युनिकेट कर सके गवर्नर। ओके, लास्ट क्वेश्चन हमारी तरफ से, आप एक महिला हैं और महिलाओं को जब वो सिविल सर्विसेज में आती हैं तो बहुत सारी चुनौतियों को सामना करना पड़ता है, ठीक है ना? और इसी रेस्पेक्ट में सपोज दैट आप एक महिला हैं और एक जिम्मेदार ऑफिसर हैं आप, और लेट नाइट तक आप ऑफिस में काम करती हैं, ठीक है? और लेट नाइट ऑफिस में आपने काम किया तो सपोज दैट आपका मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गया और आपके जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह थे उनको भी आपने भेज दिया, चलो हम चले जाएंगे अपने से अपना ड्राइव करके। आप ड्राइव करके जा रही थी, रास्ते में आपने देखा कि रात का टाइम है और चौराहे पर दो समुदायों के लोग टकराव की स्थिति में है, आप अकेले हैं, आपका मोबाइल स्विच ऑफ है, आपका गनर भी नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है, आप कैसे टैकल करेंगे समस्या को? और नहीं टैकल करेंगे तो दोनों के बीच में बहुत बड़ा क्लैश हो सकता है। सर, अगर मैं वहाँ पे जाऊँगी तो मैं एज ए नॉर्मल पर्सन जाऊँगी, ऐसे नहीं कोई अधिकारी बन के, तो वहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास में मोबाइल होगा तो मैं उससे कांटेक्ट करूंगी। और जो भी आपको मोबाइल क्यों देगा एक नॉर्मल आदमी को सर? क्योंकि हो सकता है कि आप उसके फोन से किसी और को ऐसा मैसेज डाल दें, वो तो आप तो साइड हो जाएंगे, फंस जाएगा वो। सर, अगर हम इंडिया का आप अननोन आदमी हैं, या आप मुझसे फोन मांगिए या मैं आपसे फोन मांगू, आप मुझे दीजिएगा। सर, अगर किसी को जरूरत होती है और कोई महिला है तो इंडिया का ऐसा कल्चर है कि लोग हेल्प करते ही करते हैं। ठीक है, और बताइए कैसे टैकल करिएगा? तो सर, जो भी और ऑफिसर्स होंगे उनको मैं कॉल करूंगी और वहां पे बुलाऊंगी ताकि जो है। और तब तक क्लैश होता रहेगा? सर, क्लैश होता रहेगा तो जो न्यूट्रल वहां पे ऐसे लोग होंगे जो कि दोनों ही क्लासेस में नहीं होंगे तो उनसे मैं बात करूंगी और नहीं उनसे बात करिएगा। तब तो जो क्लैश कर रहे हैं वो तो आपस में लड़ते रहेंगे, तब तक आप तो उनसे बात कर रही है ना जो क्लैश नहीं कर रहे हैं, तो उससे तो मामला और कॉम्प्लिकेटेड होगा। सर, अगर मुझे बात करना पड़ेगा तो मैं करूंगी, और अगर वहाँ पे और भी लोग हैं तो कोई मेरे विरुद्ध तो कुछ कर नहीं सकता है क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून हैं, तो लोगों में एक कानून तो सबके लिए बराबर है, चाहे महिला या पुरुष हो, सबके लिए आईपीसी सीआरपीसी बराबर है। जी सर, तो मैं उनको समझाने की कोशिश करूंगी कि आप क्यों लड़ रहे हैं, उनका पहली बात है लड़ने की वजह जानने की कोशिश करूंगी, और अगर मैं सुलझा सकती हूँ तो सुलझाऊंगी भी, लेकिन पहले मैं कॉल कर दूंगी ऑफिसर्स को कि वो आ जाएं उस जगह पे ताकि जो है कोई भी वॉयलेंस एक्टिविटी ना हो, और बातचीत करके सुलझाने की कोशिश करूंगी। प्लीज चालू। जी सर, आप जौनपुर से हैं, जौनपुर की क्या खासियत रही है? सर, जौनपुर जो है सबसे पहली खासियत उसकी ये है कि वहाँ पे महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है, और वो हिस्टोरिकली उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्या हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है? सर, उसकी स्थापना जो थी फिरोज शाह तुगलक ने की थी, और वहाँ पे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल शाही किला, शाही पुल और अटाला मस्जिद, जो कि एक सिंबल है सेक्युलरिज्म का। अटाला मस्जिद सेक्युलरिज्म का सिंबल है? जी सर, क्योंकि वहाँ पे बिलीव ऐसा है कि अटाला मंदिर को तोड़ के इसको बनवाया गया था, अटाला मंदिर को, लेकिन फिर भी वहाँ पे कोई वॉयलेंट या फिर वॉयलेंस रियॉट ये सब नहीं हुआ, और जो अटाला मंदिर था वहाँ पे जो मूर्ति थी अटाला देवी की उसको अभी चौकिया में स्थापित किया गया है, और वहाँ पर जो अटाला मस्जिद इस समय है उसमें लिखा हुआ है हिंदी और उर्दू दोनों में ही कि हिंदू और मुस्लिम का मिश्रण है कल्चर का। अच्छा, और क्या खासियत है जौनपुर की, इसको किसी और शहर से सिंक्रोनाइज करते थे, लिंक करते हैं? सर, इसके बारे में मुझे नहीं पता है। ना, मैं हिंट देता हूँ, सिराज ऑफिस्ट, सुना होगा आपने, सिराज ऑफिस्ट, पूर्व का सिराज कहते हैं जौनपुर को। क्यों कहते हैं? पूर्व का सिराज इसलिए बोलते थे उसका कल्चरल डेवलपमेंट के लिए। सर, वही पूछ रहे हैं, क्या डेवलपमेंट, क्यों? सर, कल्चरल डेवलपमेंट वहाँ पे सिराज कहाँ पर है, क्या है सिराज, है क्या? सर, सिराज का मतलब होता है सूर्य, सिराज का मतलब सूर्य होता है, तो अच्छा। इसको भारत, पूर्वी भारत का सिराज बोला जाता था क्योंकि उसका जो है हिस्टोरिकल और कल्चरल इम्पोर्टेंस था। अगर हम हिंदू मुस्लिम सब वहाँ पे रहते हैं, इस समय भी प्रेजेंट में 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन मुस्लिम्स ही हैं, और सिराज उसको बोलते थे क्योंकि सर अगर हम उसकी इम्पोर्टेंस देखें
तो वो एक राइजिंग स्टार की तरह था। और हिस्ट्री में जाएं तो परशुराम जिनको हम बोलते हैं, उनका भी जन्म स्थान जौनपुर को ही बोला जाता है। ओके, वैसे सिराज एक शहर है ईरान का, अच्छा, ईरान का, और वहाँ पे शिया पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और काफ़ी कल्चरली डेवलप्ड, जैसे भारत में कई सारे शहरों को बोलते हैं, जापान के किसी शहर से जो कंपेयर किया जाता है, भारत का एक शहर हाल ही में, सर वाराणसी को, हाँ बोलिए, किस शहर से? सर उनके शहर का मुझे नाम नहीं पता है। अच्छा, ये बोला जाता है ना वाराणसी को क्योटो, जापान से क्योटो से किया जाता है। अच्छा, अच्छा, अब शहरों पे आप ये बताएं कि कई सारे शहर हैं भारत में, जैसे भारत का डेट्रॉइट, भारत का डेट्रॉइट, हाँ किसे कहा जाता है? सर मुझे नहीं पता इसके बारे में। अच्छा ओके, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था आपका? सर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। पॉलिटिकल साइंस में आपको क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? सर पॉलिटिकल साइंस में आईआर अच्छा लगता है। आईआर अच्छा लगता है, ओके। आईआर में ये तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है कि अगर दो देशों के शहरों का नाम एक दूसरे से, या दोनों को ट्विन सिटी में डेवलप करते हैं बोलते हैं, तो डेट इज़ गुड। तो इंडिया के ऐसे कौन कौन से ट्विन सिटी हैं, हम लोगों ने किस फॉरेन कंट्रीज से रिलेशन डेवलप करने के लिए जो है बनाए हैं, नाम रखे हुए हैं? सर मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा, ट्विन सिटीज़ के बारे में। अच्छा ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस के इंडिया के तीन मेन प्रिंसिपल्स क्या हैं? सर भारत के जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनके आधार तत्व क्या हैं, किस बेस पे हैं? सर इंडिया को एक प्लेस देना है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, जो कि मैं तीन प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूँ, तीन किन सिद्धांतों पे, वैसे तो और भी कई सारे होंगे लेकिन तीन मूल सिद्धांत क्या हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जो आधार हैं विदेश नीति के? सर नॉन अलाइनमेंट और नॉन एग्रेशन और नेबरहुड फर्स्ट, सबसे पहले जो है नेबर से अच्छा रिलेशन कर रखना, और सबसे इम्पोर्टेंट तो आप बताना भूल गई, सर अपने नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करना, सॉवरेनिटी को मेंटेन करना, अपनी सॉवरेनिटी अपनी यूनिटी इसको मेंटेन करना, ओके। और इसके अलावा क्या एस्पेक्ट्स आते हैं नेक्स्ट? ये तो एक पार्ट हो गया आपने, लेकिन ये विदेश नीति के आधार में और भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बोली जाती हैं? सर एक पावरफुल नेशन की तरह इमर्ज करना, ताकि उसके उसके इंटरेस्ट को कोई ठीक है, चलिए, नेहरू ने जो इंटरनेशनल रिलेशंस की नींव रखी थी तो उन्होंने कुछ आधार बताए थे 1950s में, ठीक है, कुछ उनको उनके बारे में बता सकती हैं? सर पंचशील थे हमारे, पंचशील, जिसमें यही था कि हमें नॉन एग्रेशन एंड गुड रिलेशंस म्यूचुअल बेनिफिट पे काम करना है, और हर एक कंट्री को सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना है। ओके ठीक है, आप कश्मीर में रही हैं, श्रीनगर में रही हैं, वहाँ पे आपने क्या देखा, क्या आपको लगा, ऑब्जर्वेशन आपके तीन पॉइंट्स आज के करंट सिनेरियो को देखते हुए? सर कश्मीर में अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ ही एरियाज ऐसे हैं जो डेवलप्ड हैं और बहुत सारे पॉपुलेशन जो है, अब स्पेसिफिक बताइए, वेग में एक दो तीन जो आपने खुद देखा, खुद ऑब्जर्व किया, खुद महसूस किया। सर पहली बात है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पे, यही कि हमारे ही हॉस्टल में बहुत सारे ऐसी महिलाएं थी जो 5 या 6 हज़ार पे नौकरी करती थी, तो डेवलपमेंट जो है वो सब तक नहीं पहुंचा है। और दूसरी चीज़ है वहाँ पे दो तरह के पीपल हैं, जो एक तो न्यूट्रल हैं और एक जो सेपरेटिज्म को सपोर्ट करते हैं। और अगर हम तीसरी बात करें तो टेररिज्म की वजह से वहाँ पे टूरिज्म बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टेड है, जो कि एक बहुत ही बड़ा रीज़न है वहाँ पे टेररिज्म के बढ़ने का। मुझे ये बताइए आप जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ी होंगी। जी सर। जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में कुछ आप बताएं। सर नवोदय विद्यालय जो है वो एक रेसिडेंशियल स्कूल है, जो कि MHRD के अंडर में है, और वहाँ पर महिलाओं को फ्री में ही एजुकेशन दिया जाता है, 1/3 रिजर्वेशन भी है, और वहाँ पे ऑल राउंड डेवलपमेंट पे वर्क किया जाता है, चाहे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो, म्यूजिक हो, आर्ट हो या फिर गेमिंग हो। तो आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में क्या सीखा?
सर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में सर मैं तो सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करती थी। फिर भी आपका सबसे जो इंटरेस्ट का एक या दो एरिया आप बताएं। सर सिंगिंग और मैं वहाँ पे क्लीनिंग इंचार्ज थी तो सिंगिंग और मैं अपने हाउस की क्लीनिंग इंचार्ज थी तो वहाँ पे एक एरिया था जिसमें हमने पूरा फूल वूल लगाया और पहले वहाँ पे काफ़ी गंदगी थी तो हम सब लोगों ने मिलके उसको सफाई किया। और तो ये आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है? जी सर। ओके फाइन। सिंगिंग भी आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है? तो आपने सिंगिंग सिंगिंग पढ़ा है, सीखा है या सिर्फ डेवलप किया? सर मैंने हॉबीज के तौर पे इसको प्रैक्टिस करती हूँ। रागों के बारे में बता सकती हैं कुछ? सर रागों के बारे में तो मैं नहीं बता सकती सर, क्योंकि उस समय हमें थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता था पर बस मुझे सिंगिंग में इंटरेस्ट था तो वो पर्सनल पर्पस के लिए। जौनपुर के एक शासक थे जिन्होंने एक राग डेवलप किया। सर क्या राग? राग डेवलप किया वो बता सकते हैं? जौनपुर के एक शासक हैं थे जिन्होंने एक राग डेवलप किया है जो आज हमारे क्लासिकल म्यूजिक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उनका क्या नाम था और उस राग का नाम? सर शायद वही जानना चाहते हैं, इसीलिए कनेक्टिविटी है आपके साथ। मुझे नहीं पता है सर। अच्छा ओके। अच्छा ये बताएं, पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट है तो अभी यूपी में पंचायत के इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, इन इलेक्शंस के बारे में बताएं, कौन कंडक्ट कराता है? सर इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायती राज के इलेक्शन कंडक्ट कराता है। उसकी नियुक्ति कौन करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन की? स्टेट इलेक्शन कमीशन की सर गवर्नर ही नियुक्ति करते हैं। क्या कंडीशंस होती हैं? सर कंडीशंस तो नहीं मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट इलेक्शन कमीशन की। अच्छा क्या मेंशनड है सर? किस आर्टिकल में? आर्टिकल 243 में इसके बारे में बोला गया है जहाँ पे पंचायती राज है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है इनके इलेक्शन करवाएंगे। ओके इनकी फंडिंग कैसे होती है? जो यानी कि थर्ड टायर है उनको पैसा, बजट के प्रोविजंस कहाँ पे मिलते हैं? सर मुझे नहीं पता। अच्छा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के बारे में जानती हैं? जी सर। किस आर्टिकल में क्या काम करती है? सर आर्टिकल 243 में ही है और उसमें कोई सेक्शन है वो मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, लेकिन पंचायत और म्यूनसिपैलिटी दोनों में ही जो डेवलपमेंट वर्क है वो बैलेंस तरीके से चले इसके लिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होता है। ठीक है ओके। तो PSIR मैं चार सेक्टर से एक एक क्वेश्चन पूछूंगा बस। अच्छा अभी IR चूंकि PSIR तो एक PS से और एक IR से, अभी अगर हम पूरे वर्ल्ड सिनेरियो को देखें तो सबसे जो एक इशू जो तुरंत सॉल्व होना चाहिए वर्ल्ड पीस के लिए, एक इशू जो आपको लगता है कि नहीं इसको अब सॉल्व हो जाना चाहिए और वो केवल उसी कॉन्टिनेंट या उसी एरिया के लिए नहीं पूरे वर्ल्ड पीस के लिए ज़रूरी है, तो किस इशू को आप सॉल्व करना चाहिए? सर मैं चाहूँगी कि यूनाइटेड नेशंस को और ज़्यादा पावर्स दिए जाएं, जो भी उसके रिजोल्यूशंस होते हैं उसको सारी कंट्रीज़ फॉलो करें और वो किसी पर्टिकुलर कंट्री के फेवर में ना हो, वो एक न्यूट्रल वैल्यू से बना हुआ हो। जैसे प्रेजेंट सिस्टम है तो उसको लिबरल वैल्यू पर ऐसा माना जाता है कि वो इस पर बेस्ड है। काफ़ी क्लब सुना होगा आपने, जो आपने चर्चा की काफ़ी क्लब। जी सर। कौन कौन से नेशन हैं इसमें? सर कॉफ़ी क्लब में इंडिया नहीं है, जो भी अपोजिट G4 बोला जाता है उसमें इंडिया पार्टिसिपेंट है, तो इसके लिए जो है कॉफ़ी क्लब इनके अगेंस्ट ही बना है। इसमें पाकिस्तान कंट्री है और इटली है, तो इन सब कंट्रीज जो है। अच्छा बार बार कंट्री नेशन शब्द ले रही हैं, मुझे एक अंतर बताइए, राष्ट्र या इंग्लिश बोले नेशन, स्टेट और कंट्री, जरा इसको डिफाइन कीजिए। नेशन स्टेट एंड कंट्री। सर अगर हम मॉडर्न तरीके जो भी मॉडर्न में मेंशन है, जो नेशन होता है उसके पास में सॉवरेनिटी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है वो सॉवरेनिटी होता है मॉडर्न। बोलती जाइए आप। हाँ और सर जो एक कंट्री है वहाँ पर भी सॉवरेनिटी होता है, लेकिन कंट्री में कल्चरल ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है कल्चर का। और स्टेट है तो कोई भी कंट्री में स्टेट्स होते हैं। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं आप? सर स्टेट जो है वो मॉडर्न स्टेट और एक हॉब्सियन स्टेट है। मैंने ये नहीं पूछा, सिंपल सर। ओके लीव इट, कम टू द करंट पॉइंट। अभी ऐसे कौन से अधिकार हैं आपको लगता है एक महिला होने के नाते कि एक अगर एक अधिकार दिया जाए महिलाओं को तो काफ़ी चेंजेज आ सकते हैं हमारे जीवन में, महिलाओं के जीवन में? आपके पास ईश्वर आए, खुदा या ईश्वर आपसे प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा मैं तुम्हें एक आशीर्वाद, एक वरदान दूंगा और उस वरदान से तुम सारे इंडिया के महिलाओं की
परिस्थितियों में सुधार ला सकती हो, एम्पावर कर सकती हो, क्या वरदान मांगोगी, क्या किया जाए? सर अगर कोई भी महिला है तो उसका एक आवाज़ होना चाहिए और सबसे बड़ी आवाज़ उसको एजुकेशन दे सकती है। तो एजुकेशन का राइट तो है लेकिन पेरेंट्स स्कूल्स नहीं भेजते बहुत सारे बच्चियों को क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक नहीं है। तो सारी लड़कियों को ये अपॉर्चुनिटी मिले सर इन स्पाइट ऑफ देयर इकोनॉमिक कंडीशंस। अच्छा अभी इकोनॉमी जो हमारी चल रही है ऑब्वियसली कोविड के कारण या उससे पहले भी थोड़े हालात ऐसे थे हम बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे थे। अभी गिरावट है, अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है, डेवलपमेंट आप ग्रोथ रेट देखिए डाउन हो रहा है ना, क्या लगता है अगले 5 साल में इंडिया की इकोनॉमी को आप कैसे देखती हैं? सर अगर हेल्थ क्राइसिस नहीं आया, फिर से थर्ड वेव ऑफ कोविड बोला जा रहा है, तो इकोनॉमी कहीं ना कहीं पे अच्छा परफॉर्म करेगी ऐसा प्रिडिक्शन भी है IMF का, वर्ल्ड बैंक का। तो मुझे लगता है मैं इस क्वेश्चन को और इजी करता हूँ, 3 पॉइंट ऐसे बताइए जो ऐसा लगता है इस दुविधा के पीरियड में भी भारत आने वाले समय में न केवल ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा बल्कि एक ग्रोथ इंजन बनेगा वर्ल्ड का। 3 प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, क्या ऐसे 3 पिलर दिखते हैं आपको? सर पहला है डेमोग्राफी यहाँ का, तो यहाँ की ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो यंग है। दूसरा इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, प्लस इसकी जो है वर्ल्ड में भी इमेज अच्छी है और चाइना जो है उसका इमेज डिक्लाइन हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट सेंटर इंडिया बन रहा है क्योंकि कोविड के टाइम पर भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा आया। और तीसरी चीज़ है कि हमारा जो है फॉरेन रिजर्व भी बढ़ रहा है, तो इससे जो है जो भी इन अगर एक्सचेंज रेट में कोई भी इशू आता है तो इंडिया कर सकता है। और जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका फॉरेन डेप्ट भी बहुत ही ज़्यादा कम है, तो जो करेंसी है उसका कहीं ना कहीं पे जो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन है वो नहीं होगा। चलिए माय लास्ट क्वेश्चन, जो पेट्रोल है इसके दाम बढ़ रहे हैं, एक डिमांड उठी है कि GST में इसको भी शामिल किया जाए। आप जानती हैं GST में है क्या पेट्रोल डीजल? नहीं सर नहीं है। अगर ये कहा जाए कि GST के अंदर ला दिया जाए तो बड़ी यूनिफॉर्मिटी आएगी और इस तरह मतलब और रेट भी कम हो जाएंगे, तो क्या ये करना चाहिए, GST में शामिल करना चाहिए? सर ये GST काउंसिल का डिसीजन होगा और प्रेजेंट में इसके रेट्स इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में अभी ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हैं। फॉर एग्जांपल कोविड है तो GST का कलेक्शन भी कम हो रहा है, तो पेट्रोल और डीजल एक ऐसा एरिया है जहाँ से गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल सकता है क्योंकि इसको हर कोई क्या करना चाहिए आपका सजेशन मांगा जा रहा है। मान लीजिए आप GST काउंसिल के अध्यक्ष हैं या जो भी हैं, आप जो अथॉरिटी लेना चाहें आप हैं, क्या करना चाहिए इसे GST के अंदर लाना चाहिए? सर टाइम देख करके जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, स्टेबिलिटी आ जाए, तो उस समय तो करना ही चाहिए क्योंकि ऐसा उन्होंने भी कहा है कि हम इसको शामिल करेंगे लेकिन टाइम डिटरमाइन लेटर। आपको तो बहुत बड़ा पॉलिसी मेकर बनना है, यू आर गोइंग टू बिकम एन IAS ऑफिसर, सो व्हाई आर यू फ्लक्चुएटिंग इन योर आंसर? से यस और नो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये थोड़ा ना कि आपने बोल दिया हो जाए, आपको सीधा बोलना है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यू शुड गिव योर ओपिनियन, आई एम नॉट सजेस्टिंग, आई एम जस्ट सेइंग, मैं सुन के बात कर रहा हूँ। एक चीज मुझे आप बताएं, बस बहुत छोटा 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 चीज, व्हाई हिंदुस्तान में के बगल में हिंदुस्तान एक पॉलिसी रखता है नॉन अलाइंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, दोनों तीनों बात कुछ मिला के कहें तो आप मिलिट्री रूल के खिलाफत करती हैं सदा से, चाहे वो पाकिस्तान में चाहे कहीं और, बर्मा में क्यों नहीं करते हैं आप खिलाफत? सर अगर हम बर्मा में बात करें तो सर किसी भी कंट्री का मैंने कहा कि नेशनल इंटरेस्ट पे उसका फॉरेन पॉलिसी डिपेंड करता है, तो बर्मा जो है वहाँ पे मिलिट्री रूल इस समय आ गया है, तो एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया जो है वो तो हिंदुस्तान की पढ़ी हुई है, जो लेडी है सुकाई, सुकाई वो LSR की पढ़ी हुई है, हमारा तो बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है, जिंदगी भर उसकी यहाँ से गुजरी। सर हमारा नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रीजन है और जो मिलिट्री है वो हमेशा ही हमें सपोर्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो एनी इम्पैक्ट ऑफ मलक्का पार्क स्टेट और मलक्का स्टेट का कुछ इम्पैक्ट है हमारा रिलेशनशिप बिल्डिंग विद चाइना और ट्रेड बिल्डिंग विद चाइना? सर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को इंडिया हमेशा प्रमोट करता है और जो चाइना है वो इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत ही एनी साइंटिफिक रीजन, सर इट इज़ ए पॉलिटिकल रीजन, साइंटिफिक रीजन मलक्का स्टेट में
चाइना बगल से निकल के चला जाएगा, कार निकोबार की क्या फर्क पड़ रहा है, क्यों क्यों आपको, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट सर? नहीं सर, ओशन रिसोर्सेज के लिए पॉलीमेटैलिक नॉडल्स, कोई बात नहीं, यू हैव गिवन गुड आंसर एंड वी आर फुली सेटिस्फाइड आपका। योर इंटरव्यू इज ओवर, इंटरव्यू समाप्त, वंस यू स्टैंड गो नाउ, थैंक यू, थैंक यू सर।